नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। शहीद, शहीद जिंदा है, इन्हें मुर्दा मत कहो, तुम्हें इनके समझ नहीं। अल्लाह ताला इन्हें रिस्क भी पहुंचाते हैं। ए अजीम किब्रिया, सुन गरीब की दुआ, साजिशों में गिर गई बिनते अरसे एशिया। लश्करे यजीद में एक कनीज़े करबला, फैसले की मुंतजिर एक यतीम बेखता। ताल सब मुसीबते, हे दुआ तेरे हुजूर, वास्ता हुसैन का तोर जुल्म का करो। या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। रावलपिंडी आप मेरा गवाह हो, आप गवाह हो कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कायदे आवाम था। रावलपिंडी आप गवाह हो कि भुट्टो शहीद ने टूटा हुआ मुर्ग को चोरा। आप गवाह हो कि भुट्टो ने 90,000 जंगी कैदी और 5,000 मील रकबा दुश्मनों से वापस ले आया। आप गवाह हो भुट्टो शहीद ने सरजमीन पे आईन को आईन दिया, पहला मुत्तफिका इस्लामी जमहूरी आईन। रावलपिंडी आप गवाह हो कि किसने इस मुल्क को एटॉमिक ताकत बनाया। आप गवाह हो, आप गवाह हो कि किसने मुस्लिम उम्मा को पाकिस्तान की क़यादत में लाहौर में जमा किया। आप गवाह हो मसला कश्मीर पर कौम की आवाज कौन बना। यहां के मजदूर गवाह है कि मजदूरों को हकूक भुट्टो ने दिया। किसान गवाह है कि किसान को जमीन भुट्टो ने दिया। आप गवाह हो, आप गवाह हो कि गरीब को आवाज भुट्टो ने दी, भुट्टो ने दिलवाया। आप गवाह हो कि ताकत का सरचश्मा आवाम को भुट्टो ने बनाया। बदकिस्मती इस मुल्क की कि आवामी राज जिया को कबूल नहीं था। रावलपिंडी आप गवाह हो कि कायदे आवाम के साथ क्या किया गया। पिंडी आप गवाह हो, आपके हर गली हर मोहल्ला गवाह है, आपके दरों दीवार
کے سر زمین گواہ ہے، آپ گواہ ہے اس تاریخی ظلم کا، آپ گواہ ہو کہ قائد عوام کو تختے دار پر لٹکایا گیا، پنڈی گواہ ہے بھٹو شہید کی عدالتی قتل کا، آپ گواہ ہو عوام کے حقوق چھیننے کا، آمریت نافذ ہونے کا اور عوامی راج کا خاتمہ کا، آپ گواہ ہو ان جیالوں کا جن کو سولی پہ چڑھایا گیا، آپ گواہ ہو جیالوں پر کوڑے برسانے کا اور ان کا نعرہ جیے بھٹو کا جواب کا۔ راول پنڈی گواہ ہے کہ بھٹو کی بیٹی نے اپنی والد کا پرچم تھاما، آپ گواہ ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی والد کی جدوجہد جاری رکھی، عوام کے حقوق کے لیے، عوام کے آواز کے لیے، عوام کی آزادی کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی، 2 عامروں سے ٹکرائے، سلیکٹڈ سیاستدانوں اور سیاسی اتیموں کا مقابلہ کرتی رہی، انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرتی تھی، آپ گواہ ہو وہ کہتے تھے ایک خاتون ایک مسلم ملک کا قائد نہیں بن سکتی، آپ گواہ ہو شہید محترمہ بینظیر بھٹو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، آپ گواہ ہو اس ملک کا 2 بار وزیر اعظم بنی، شہید بی بی نے عورتوں کو حقوق دیے، شہید بی بی نے قیدیوں کو رہایا، شہید بی بی نے میڈیا کو آزاد کروایا، بی بی شہید نے دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا، راول پنڈی گواہ ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کو میسائل ٹیکنالوجی دلوایا، شہید بی بی 4 صوبوں کی زنجیر تھی، شہید بی بی عوام کی امید تھی اور یہ ملک دشمن قوتوں کو برداشت نہیں تھی، بی بی شہید کے شوہر کو 12 سال جیل میں رکھا گیا، اسی پنڈی کے جیل میں رکھا گیا، ایک الزام ثابت نہیں ہوا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جلاوطنی کاٹی، خطرات کے باوجود اپنے وطن واپس آئے، عوام کو آزادی دلانے کے لیے ایک عامر کی راج سے اور دہشت گردوں کے خوف سے اپنی عوام کے حق کے لیے عوامی راج قائم کرنے کے لیے واپس آئی تھی، سارے سیاسی سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلے اور جو کام کبھی نہیں ہو سکا وہ کام 5 سال میں کر کے دکھایا، عوامی راج نہ صرف بحال کیا مگر 18ویں ترمیم کر کے بھٹو شہید کا آئین کو بحال کیا، صوبوں کو اپنے حقوق پہنچائے، سی پیک جیسے انقلابی اور تاریخی منصوبہ شروع کیا، اپنے ملک کا مفاد سب سے آگے رکھا، سلالہ کی ثانیہ ہو یا ایران پاکستان گیس پائپ لائن، کسی سپر پاور کے سامنے سر نہیں جھکایا، سوات ملکن سات وزیرستان کو دہشت گردوں سے آزاد کروایا،
IDPs का बाइज्जत वापसी करवाए, बीबी का वादा निभाया, पाकिस्तान का परचम लहराया, रोटी कपड़ा और मकान का दावा इंकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पूरा किया, मजदूरों को बीबी स्टॉक ऑप्शन से इंडस्ट्रीज का मालिक बनाया, किसानों के लिए तारीखी सब्सिडीज, एग्रीकल्चर बूम और एक साल के अंदर ही अंदर फूड इनसिक्योरिटी का मसला हल किया, जमहूरियत बहाल, मीडिया आजाद, अदलिया आजाद और साजिशों का मुकाबला करते करते पहली बार इस मुल्क में एक सिविलियन सेटअप ने अपना टर्म मुकम्मल करके दिखाया। साथियों, आज फिर ये धरती पुकार रही है कि मैं खतरे में हूं और इसलिए मैं आज फिर इस तारीखी लियाकत बाग में आया हूं। जमहूरियत का हाल देखो, पार्लियामेंट पे ताला लग चुका है, मीडिया आजाद नहीं, जुडिशरी पे हमले हो रहे हैं, 18वीं आईन पे हमले हो रहे हैं, सूबों से उनके हक छीने जा रहे हैं, जिससे वफाक हिल रहा है। दहशतगर्दों को जरूर शिकस्त दी होगी, लेकिन इंतहा पसंदी के आग मुल्क भर में फैला हुआ है। पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों से लेके पेशावर तक अवाम अपने हकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। पंजाब के दिल लाहौर में डॉक्टर्स से लेके स्टूडेंट्स तक, ट्रेडर्स से लेके किसानों तक, सारे के सारे सरापा एहतजाज है। सिंध का आवाम नाराज है कि गैस पैदा करने वाला सूबा को गैस से महरूम रखा जा रहा है। बलूचिस्तान के तारीखी पासमांदगी आवाम को मायूस कर रही है। मईशत का हाल देखो, आवाम का मुआशी कत्ल हो रहा है। ये हुकूमत आवाम के लिए आजाब बना हुआ है। इस मौसम में, इस सर्दी में लाखों गरीब लोगों के सर से छत छीना जा रहा है। इन मुआशी सूरत हाल में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 8 लाख लोगों को निकाला गया। ये गरीब दुश्मनी नहीं तो और क्या है? हमारा खुद मुख्तारी का हाल देखो, एनओसी के बगैर हमारा वजीर आजम किसी और मुल्क का दौरा नहीं कर सकता। इस मुल्क के मुआशी फैसले इस मुल्क के आवाम नहीं ले रहे, IMF ले रहा है। कश्मीर को देखो, तारीखी हमला हुआ है और इस्लामाबाद ने हमारा बहनों और भाइयों को लावारिस छोड़ा है। हमारा धरती पुकार रही है कि मैं खतरे में हूं। ये वो जमहूरियत नहीं जिसके लिए हमने कुर्बानी दी, ये वो मईशत नहीं जिसके लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने तहरीक शुरू किया था, ये वो आजादी नहीं जिसका वादा कायदे आजम ने किया था। हम पर फर्ज बनता है, आप पर फर्ज बनता है, हमने बीबी का वादा निभाना है, हमने पाकिस्तान को बचाना है। साथियों, हम बीबी का पाकिस्तान बना के रहेंगे, भुट्टो का नारा लगाते रहेंगे। मैं आया हूं उसी मुकाम पे जहां बीबी शहीद को हमसे छीना गया। मैं आया हूं उसी शहर में जहां भुट्टो को शहीद किया गया। रावलपिंडी
रावलपिंडी आप कबा रहना, मैं अपना मुल्क को आजादी दिलाऊंगा। कबा रहना, कबा रहना, मैं जमहूरियत को बहाल करूंगा, वोट का तहफ्फुज दिलवाऊंगा और ताकत का सरचश्मा अवाम को बना के रहूंगा। कबा रहना, कबा रहना, तुलबा को, नौजवानों को उनका हक दिलवाऊंगा, किसानों को, किसानों को अपना फसल की कीमत दिलवाऊंगा, मजदूरों का उनका मेहनत का सिला दिलवाऊंगा। गवाह रहना भुट्टो शहीद का जिदोजहद जारी रखूंगा, बीबी शहीद की नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करूंगा। इज्जत देने वाला रब की जात है और जिल्लत देने वाला भी रब की जात है। भुट्टो है, जिया था, शहीद बीवी है, मुशर्रफ था। नया पाकिस्तान के नाम पे, नया पाकिस्तान के नाम पे सियासी यतीमों का राज है। आपको सियासी यतीम याद है? वो सियासी यतीमों जिनके बारे शहीद बीबी आपको वॉर्न करती थी, उन्हीं सियासी यतीमों का राज है। ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुकी है। आईनी बहरान है, मुआशी बहरान है, क़यादत की बहरान है, बहरान ही बहरान है। इनकी किस किस्म की सियासत है? बुज़दिलाना सियासत है, जहां बुजुर्गों को और ख़वातीन को सियासी बुनियादों पे गिरफ्तार किया जाता है। एक बेटा को अपनी वालदा की बरसी से मनाने से रोकने की कोशिश की जाती है। कूफा की सियासत से मदीना की रियासत नहीं बन सकता। ये सियासी यतीम घबरा रहे हैं, ये सियासी यतीम घबरा रहे हैं, इनका कुतपुतली राज हिल रहा है। सियासी यतीम कहते थे कि मियां साहब बाहर नहीं आएगा, और देखो मियां साहब बाहर आया। सियासी यतीम कहते थे कि सदर जरदारी बाहर नहीं आएगा, और देखो सदर जरदारी बाहर आया। सियासी यतीमों से मुल्क नहीं चल सकता, इन सियासी यतीमों से तो हुकूमत नहीं चल रहा, इन सियासी यतीमों से मईशत नहीं चल रहा। क्या आपको पता है, आपको पता है कि सिर्फ एक साल में 10 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं? और जब हम कहते हैं कि लोग बेरोजगार हुए हैं, तो हुकूमत से ये जवाब नहीं आता कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम रोजगार पैदा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि हम चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, वो कहते हैं कि अवाम के पास रोजगार है, हमारी तरफ मत देखो, हम इदारों को बंद कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि महंगाई है, लोग तनख्वाह पे गुजारा नहीं कर सकते, पेंशन पे गुजारा नहीं कर सकते, तो ये कहते हैं कि मीशत से सिमत पे चल रही है। बीबी शहीद कहती थी, जिस मुल्क के अंदर गरीब का पेट, मजदूर का पेट,
बच्चे का पेट खाली हो वो मुल्क मजबूत नहीं होता। उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, मगर इनके लोग गरीब और बेरोजगार हो, इनके सैलरी क्लासेस तनख्वाह पे गुजारा नहीं कर सके, इनके पेंशनर्स पेंशन पे गुजारा नहीं कर सके, तो फिर अंदरूनी तौर पर मुल्क कमजोर होगा। अगर सियासी यतीमों का राज होगा, अवामी राज नहीं होगा, तो मुल्क नहीं चल सकता, सियासत नहीं चल सकता, आपके मसाइल अवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते। तो फिर 2020 को अवामी हुकूमत लाने वाला का साल होना पड़ेगा, 2020 अवामी राज का साल होगा, साफ और शफाफ इलेक्शंस का साल होगा, मुआशी इंसाफ का मुतालबा का साल होगा। खैबर से कराची तक अवाम कह रहे हैं कि अलविदा अलविदा सियासी यतीम, अलविदा 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 सिलेक्टेड, अलविदा 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 सियासी यतीम, अलविदा। जी आलो, अवामी राज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। आपने मेरे साथ देना है, मेरा पैगाम पहुंचाना है, मुआशी इंसाफ के लिए मेरे साथ तो, अवामी राज के लिए मेरे साथ तो। मैं भुट्टो शहीद का परचम और बीबी शहीद के पैगाम लेकर निकला हूं। मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क खतरे में है, हमारा जमहूरियत खतरे में है, हमारा आजादी खतरे में है, हमारे गरीब खतरे में है, हमारा धरती हमें पुकार रही है, हमारे शहीदों की लहू हमें पुकार रही है। हम पर फर्ज है, हमने ये बचाना है, आपने ये पाकिस्तान को बचाना है। हमने मिलकर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मिशन को मुकम्मल करना है। इंशाल्लाह ताला आपकी मेहनत से, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पार्टी के कारकुनों की जिदोजहद से हम इन सिलेक्टेड को, हम इन सियासी यतीमों को कर पेश के रहेंगे, अवामी राज कायम करेंगे और भुट्टो शहीद का चार असूलों को मुकम्मल कर देंगे। आप सबका बहुत मेहरबानी। जिए भुट्टो।